अगले क्वेश्चन है वैसे लॉन्गेस्ट रिपीटिंग सबसीक्वेंस की क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको स्ट्रिंग दे रखी है, वो स्ट्रिंग एस ए ए ए बी ई बी सी डी डी, ये क्वेश्चन ये हो एक स्ट्रिंग आपको। अब करना ये है कि इस स्ट्रिंग में हमको लॉन्गेस्ट निकालना है, क्या जो रिपीटिंग हो रहा है लॉन्गेस्ट निकालना है, जो रिपीटिंग हो रहा है सबसीक्वेंस इसका सबसीक्वेंस निकालो, यानी कि इसके सबसीक्वेंस निकालो सारे, बट वाले जो रिपीटिंग हो रहे हो तो रिपीटिंग वाले कौन कौन से दिख रहे हैं आपको। देखो एक ए ए रिपीटिंग होता हुआ दिख रहा है तो मैं उसको एक ही बार लिखूंगा ए, फिर डी भी दो बार दिख रहा है तो मैं उसको एक ही बार लिखूंगा बी, फिर डी भी दो बार दिख रहा है तो मैं उसको एक बार लिखूंगा डी, ठीक है। यानी कि मैंने क्या किया इस स्ट्रिंग में से लॉन्गेस्ट रिपीटिंग सबसे पहले निकाल दिया। तो लॉन्गेस्ट रिपीटिंग सब सीक्वेंस निकाल रहा है, तो इसमें जो रिपीटिंग हो रहे हैं तो उनको एक बार कंसिडर करके लिखना है, क्योंकि इसके सब सब सीक्वेंस और भी हो सकते हैं। एक सब सीक्वेंस होता है ए डी भी हो सकता है, ए और डी, एक सब सीक्वेंस होता है ए बी ए और बी, और भी कई सारे होते हैं ए बी ई भी होता है, ए बी ई भी हो सकता है, बट आपको लॉन्गेस्ट रिपीटिंग वाले निकालने हैं तो रिपीटिंग वाले यही होगा ए बी डी होगा, ए बी डी ए बी डी। हाँ अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं ए बी सी है, मान लो एक एग्जाम्पल है ए बी सी, इसका क्या होगा लॉन्गेस्ट रिपीटिंग सबसीक्वेंस, रिपीटिंग कुछ हो रहा है इसमें तो जीरो है, कुछ रिपीटिंग में तो इसका आंसर जीरो है, इसके लेंथ तो तीन थी इसका लेंथ तो जीरो है। अब एक स्ट्रिंग आपको दे रखी है मान लो ए ए बी, इसका लॉन्गेस्ट अगर आपको निकालना है लॉन्गेस्ट रिपीटिंग सबसीक्वेंस क्या होगा आंसर ए ए बी। हाँ तो इसका आंसर क्या होगा ए ए खाली ए होगा ना, रिपीटिंग तो लेना है तो ले लिया मैंने। अब एक एक्स और दूसरे स्ट्रिंग ले लेते हैं ए ए बी बी ले लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा ए बी होगा, ठीक है। हमको करना है जितने भी रिपीट हो रहे हैं ना, मान लो यहाँ पे ऐसा होता है ए ए ए और बी, अब क्या होता है सर ए ए ए बी बी तभी तो ए बी आएगा, ए बी होता है, ठीक है। हमको जो मल्टीपल टाइम्स आ रहा है उसको एक ही बार लिखना है, जितने भी मल्टीपल टाइम्स आए बट सीक्वेंस वायलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, सीक्वेंस बिल्कुल भी वायलेट नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो लॉन्गेस्ट रिपीटिंग सब सीक्वेंस, ठीक है, समझ गए हम कर गए हैं इस केस में, ठीक है। अब ध्यान से अगर हम समझते हैं कि ये स्ट्रिंग है, क्या हम इससे लॉन्गेस्ट एलसीएस निकाल सकते हैं इसका, एलसीएस की दो स्ट्रिंग चाहिए होती है याद रखो, तो हमारे पास दूसरी स्ट्रिंग है नहीं, अब उसको उल्टा कर देंगे तब तक पैलिंड्रोमिक का आंसर आएगा जो कि हमको चाहिए नहीं, ठीक है। थोड़ा छोटा केस लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ठीक है, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, एक स्ट्रिंग है ट्रिपल ए एक एक स्ट्रिंग है ट्रिपल बी, मान लो इन दोनों स्ट्रिंग को ही ले लिया, क्योंकि इसको उल्टा करोगे तो उससे जो आंसर आएगा वो पैलिंड्रोमिक आंसर आएगा क्योंकि हमको चाहिए नहीं, हमको निकालना है लॉन्गेस्ट रिपीटिंग वाला। हम एक काम करते हैं एक स्ट्रिंग एलसीएस लेते हैं, ये एक स्ट्रिंग वाली है, अब इन दोनों का एलसीएस निकालते हैं, देखिए इन दोनों का एलसीएस निकालोगे तो ए ही आ जाएगा पूरा, ये दोनों कॉमन, दोनों में कॉमन है, दोनों लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस दोनों, ये पूरा ए ही आ जाएगा, यानी पूरी स्ट्रिंग जो लिखी ए आ जाएगी, हाँ लॉन्गेस्ट कॉमन तो उससे आंसर तो आया नहीं, उससे आंसर तो ये आया नहीं, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं एलसीएस को थोड़ा चेंज कर, एलसीएस को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एक स्ट्रिंग ली दूसरी स्ट्रिंग ली, हम क्या करते हैं आखिरी वाले चेक करते थे, आखिरी वाले चेक कर अगर मैच कर गए तो क्या बोलते थे कि भैया ये तो आंसर आएंगे वन प्लस, बाकी एलसीएस का काम करो, ये करते कि वन प्लस एलसीएस करते थे अगर मेरे लास्ट वाले मैच इफ मैच अगर मैच कर जाते थे, यानी कि एक इंडेक्स आई है एक इंडेक्स से, और ये दोनों अगर मैच कर जाते थे तो क्या करता था मैं ए वन प्लस एल सी एस दे सकता था, और अगर मैच नहीं करते थे तो मैं एल सी एस को कॉल करता था खाली, हाँ बाकी स्ट्रिंग के लिए ज्यादा और मैक्सिमम लेता था उसमें मैक्सिमम, हाँ। ज्यादा दो का मैक्सिमम लेता था एल सी एस एल सी एस कॉल करके मैक्सिमम क्या करता था कुछ ज्यादा है बहुत कुछ, यानी कि अगर मैं इस कंडीशन से मैं एलसीएस निकालने की कोशिश करूं तो मेरे को स्ट्रिंग ही वापस मिल जाएगी एलसीएस में, क्योंकि दो सेम स्ट्रिंग का एलसीएस भी वही स्ट्रिंग होता है ना, तो
अब मैं पता क्या करने की कोशिश करूँ, अगर मैच कर गए तो आंसर में इंक्लूड तो कर लो, बट शर्त ये है कि उसके इंडेक्स मैच ना करें, शर्त ये कि उसके इंडेक्स मैच ना करें। अब मैं आपको ना थोड़ा सा डीप एक्सप्लेन करने के लिए इसका मैं कोड लिखता हूँ पहले, एलसीएस का कोड लिखता हूँ पहले, ठीक है, तब थोड़ा और क्लियर होगा। एलसीएस का कोड एक बार हम लोग लिखते हैं, उसके बाद थोड़ी क्लैरिटी बनेगी। हम वाला डीपी वाला कोड लिखते हैं, ओके, तो फॉर आई इज इक्वल टू जो भी लिखते हैं वो कोड लिख देंगे, तो फॉर जे इज इक्वल टू जो लिखते हैं वो लिख देंगे। फिर मैं बोलता ना अगर स्ट्रिंग एक्स का आई माइनस माइनस वन और वाई माइनस वन सेम था, वाई का जे माइनस वन, अगर ये दोनों जो है मैच कर रहे हैं, ठीक है, तब मैं डीपी के आई में क्या बनता था, डीपी का आई का मतलब बनता था मैं वन प्लस डीपी का आई माइनस वन और जे माइनस वन, यहाँ पे आई मतलब आई मैं पहले वाली स्ट्रिंग को मानता हूँ, आई यहाँ पे चल रहा है और जे यहाँ पे चल रहा है। मैं कोड लिख रहा हूँ, मैं पहले बता चुका हूँ सारा कुछ, इसलिए मैं दोबारा ढंग से रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। ऐसे में मैं बोलता था डीपी का आई का मतलब क्या आएगा, मैक्सिमम ऑफ पता क्या आएगा, डीपी का आई जे माइनस वन या डीपी का आई माइनस वन और जे, इनका जो मैक्सिमम होगा वो मेरा आंसर आएगा। ये मैं करता हूँ, तुमको दिक्कत आपसे कोई दिक्कत नहीं है, अब देखो ध्यान से मैं पता क्या बोल रहा हूँ, मैं पहले आपको बताऊँगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, फिर आपको बताऊँगा ऐसा आंसर क्यों आया। मैं बोल रहा हूँ कि अगर दोनों मैच कर गए, अगर आखिरी के दोनों मैच कर गए तो ये जो काम करते हो वो तो करो, बट क्या रखना ये दोनों सेम ही इंडेक्स पे ना खड़े हो, यानी कि यहाँ पे ए माइनस वन एंड एंड आई इज नॉट इक्वल टू जे, पहले समझ लो पहले करना है, मान लो फिर मैं बताऊंगा क्यों मान लो, ठीक है, मान लो कि मैं जबरदस्ती मनवा रहा हूँ, मान लो मान लिया कि भाई दोनों मैच नहीं करें और आखिरी वाले स्ट्रिंग मैच करता है, स्ट्रिंग मैच करता है बट इंडेक्स मैच ना करे, तो काम करो किस केस में लॉन्गेस्ट रिपीटिंग सबसे बेस्ट होता है, गया गया।